ठीक है। ऑन ऑफ की का पता सबको है, पावर आईसी में जाता है सप्लाई, ये देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आप चेक कर लेते हैं 250 से लेकर 1600 के आसपास जीआर वैल्यू, और वोल्टेज चेक कर लोगे आप 1.2 से लेकर 4 वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए, साथ ही में ग्राउंड। वॉल्यूम अप सीपी में जा रहा है और वॉल्यूम डाउन जा रहा है पावर में। लेकिन ये जो सप्लाई देख रहे हैं आप ऑन ऑफ की, ये चार्जिंग एसी के साथ भी कनेक्ट है क्यू ऑन के नाम से, क्विक ऑन बोलते हैं इसे। और क्यू जो होता है हमारा अंदर मोस्फेट रहता है, और डायग्राम में जब भी आपको किसी आईसी के पास क्यू लिखा दिख जाए तो समझ जाना वो मोस्फेट की बात हो रही है, मेटल ऑक्साइड, इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं अपन, मोस्फेट। तो मोस्फेट जो होता है वो छोटा सा एक ट्रांजिस्टर जैसे दिखेगा आपको, तो ये आईसी के अंदर लगाया जाता है। ये आईसियां जो बनती हैं पूरी ट्रांजिस्टर्स के ही थ्रू बनती हैं, और आईसीयों के अंदर मोस्फेट और ट्रांजिस्टर मिलाकर ही एक आईसी बनाया जाता है। अब रही बात ऑन ऑफ की का सप्लाई सीधा सीधा पावर में जा रहा था, फिर यहां से ये चार्जिंग आईसी को क्यों दिया गया है, ये है इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, सीरीज का डायोड जो अभी तक आप लाइट आईसी में देखते थे, अब ऑन ऑफ की में भी आपको सीरीज में एक डायोड मिलेगा। ये मैं रेडमी 7A से बनाया हूँ, रेडमी नोट 4 में भी ऐसा ही है, रेडमी 5A में भी ऐसा ही है, एमआई के काफी सारे सेटों में आपको ऐसा ही पावर की ऑन ऑफ की का ट्रैक मिलेगा। तो अब डायोड तो ऐसा रहता है पैरेलल में, रजिस्टर तो सीरीज में रहता है, देखिए यहां भी सीरीज में, यहां भी सीरीज में, लेकिन ये डायोड सीरीज में क्यों लगाया गया, अब इसका रीजन क्या है। चार्जिंग एसी जो है वीपीएच सप्लाई बनाती है, जो कि सारा मोबाइल में जाता है, जिसको हम सिस्टम वोल्टेज बोलते हैं। ये देखिए वीपीएच के मोस्फेट को बंद करने के लिए ये वाला सप्लाई बनाया गया। तो ये वीपीएच के मोस्फेट को बंद करने के लिए का मतलब क्या है, मतलब ये है पुराने मॉडल्स में अगर आपका मोबाइल हैंग कर जाता है या लोगों पे स्टक हो जाता था, तो आपको बैटरी निकाल के आप पीछे का ढक्कन खोलते थे इमीडिएटली, और बैटरी निकाल करके उसको लगा देते थे, और फिर से आप पावर की दबाते और आपका मोबाइल वापस से रिबूट हो जाता था। जब हैंग ऑन लोगो हो जाता है तो पावर की भी आपका काम नहीं करता है, तब आप बैटरी निकाल के लगाया करते थे ओल्ड मोबाइल्स में, कीपैड में। अभी जो लेटेस्ट मॉडल्स आ रहे हैं एंड्रॉयड के, बैक ढक्कन खोलना बहुत मुश्किल है, ग्लास लगा होता है इस पे और बैटरी इनबिल्ड रहती है। अब ऐसे मॉडल्स हैंग हो जाए तो आप कस्टमर उसका ढक्कन निकाल करके बैटरी निकाल करके लगा नहीं सकता है। तो यहां पे एक सप्लाई बनाया है क्यू ऑन, क्विक ऑन। तो अब ये सप्लाई क्या करती है आपकी, जब आपका मोबाइल ऑन रहता है हैंग ऑन लोगों पे रहता है, कब रहता है, पावर एसी को जब चार्जिंग एसी से वीपीएच का सप्लाई मिलता है तो ही ये सारा सप्लाई बना सकती है। ऑन ऑफ की सप्लाई बनाएगी, बक बनाएगी, एलडीओ बनाएगी। तो ये मोस्फेट क्या करता है, चार्जिंग एसी यहां से जब ट्रिगर करेगा तो पावर एसी को वीपीएच वोल्टेज यहां से मिलना बंद हो जाएगा। जब वीपीएच वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा 3 सेकंड के लिए, तो पावर एसी रिस्टार्ट मारेगी। अब जब मोबाइल रिस्टार्ट होता है तो तब आपका हैंग ऑन लोगों से वो हट जाता है, इसीलिए ये सप्लाई बनाया गया है, इसको बोलते हैं क्यू ऑन। अब हम एक बार डायग्राम में आ जाएंगे, मैं थोड़ा डायग्राम में ही बताता हूं आपको, ये सारे बंद कर देते हैं पुराने। ऐसा आपको एमआई के सेटों में ज्यादातर देखने को मिलेगा। मैं अभी फिलहाल एक मॉडल का ऑन ऑफ की का सप्लाई का ट्रैक बता रहा हूं। अब इसमें देखते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में, ये भाई साहब क्या बताए। तो यहाँ पे पावर की का सप्लाई यहां से जा रहा है, यहां पे आया, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे रजिस्टर में आया, और रजिस्टर के बाद ये यहाँ पे चार्जिंग एसी के साथ कनेक्ट है। अब इस मॉडल में तो इन्होंने सीधा सीधा ऐसा बता दिया है, क्या पावर के साथ कनेक्टेड नहीं है क्या ऑन ऑफ की का सप्लाई, देखिए कहीं पे बता रहा है क्या पावर के साथ, मेन तो होना चाहिए पावर के साथ, बट इस मॉडल में ये बता रहा है चार्जिंग एसी के साथ। ये हमारी पीएमआई एसी है, चार्जिंग एसी 632। तो क्या ये ट्रैक सही बनाया क्या इसने, चलिए सीरीज का डायोड कहाँ लगा है, चलिए यहां पे देखते हैं एक बार। देखिए यहां पे एक डायोड पैरेलल में बताया है इसने, तो अब हम इसके डायग्राम में आएंगे एक बार देखेंगे।
बिटमैप से भी फॉलो कर सकते हैं आप और डायग्राम से भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों चीज से आप जा सकते हैं। ये देखिए टच पॉइंट है पावर की का, इसी को सेलेक्ट करके सीधा हम ट्रैक में पहुंच जाएंगे। तो ये नीचे वाला जो है हमारा ऑन ऑफ की का सप्लाई है। अब यहां पे देखिए ये है हमारा ऑन ऑफ की का सप्लाई। अब ये रजिस्टर के थ्रू यहां से एक लाइन जा रही है और इसमें यहाँ पे दो नंबर के साथ कनेक्टेड है। अब ये देखेंगे क्या ये दो नंबर की लाइन क्या पावर में भी जा रही है क्या, उसके बाद में बिट मैप से भी बताऊंगा आप। यहाँ पे देखिए ये दो नंबर की पिन यहाँ पे आ गई दो नंबर के साथ और ये आईसी है U1101 और U1101 जो है चार्जिंग आईसी है हमारी PMI 632। मतलब यहाँ पे जो इसने बनाया ये तो सही है और ये हमारी दो नंबर पिन, एक यहाँ पे डॉट रहेगा दो नंबर पिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाता है दो नंबर के साथ, तो डायग्राम के हिसाब से प्रॉपर कनेक्ट है जो हमारा यहाँ पे आ रहा था। चलिए आईसी का नंबर याद रखिए PMI 632 और डायग्राम में 1101। क्या पावर में भी जा रहा है क्या है? ये देखिए आ गया सीरीज का डायोड और यही लाइन उसी नाम से डायोड सीरीज में लगा है और 63 नंबर पिन के साथ कनेक्ट है। और ये आईसी कौन सी है जरा देख लेंगे, PM439 जो कि पावर एसी है, 1101 हमारी चार्जिंग थी तो 1201 हमारी पावर एसी है। तो ये लाइन हमारी पावर में भी जा रही है, लेकिन यहाँ हार्डवेयर सोल्यूशन में अगर आप देख लो तो इसने क्या अपने को पावर एसी के साथ ये लाल कलर की लाइन बताई है क्या? अब हम देखेंगे ये डायग्राम डायोड कहाँ पे हमारा 1301, ये सीरीज का डायोड है जो कि मैं यहाँ पे फोटो में बता रहा हूं आपको। चलिए ये सीरीज वाला डायोड कहाँ लगा है थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए ये पावर एसी यहां पर है, पावर एसी के नीचे कोने में अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, यहां पे लगा है छोटा सा डायोड, ये अगर निकल जाए ना आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा भाई, सिर्फ चार्जिंग का लोगो आएगा। कितना इंपॉर्टेंट डायोड है और इसने ऑन ऑफ की के सेक्शन में बताया ही नहीं इसको। देखिए छोड़ दिया ना इसने यहां पर। अब मैं बिटमैप के थ्रू बताता हूं आपको, Redmi 7A के बिटमैप के थ्रू एक लाइन हमारी कहां जानी चाहिए, ऐसे पावर में जानी चाहिए, दूसरी लाइन डायोड की यहां से चार्जिंग एसी में जानी चाहिए। तो चलिए यहां लगाया हमारा डायोड, तो एक लाइन देखिए कीपैड पावर के नाम से मेन पावर एसी में चले गई, ये देख सकते हैं, शो पैड वैल्यू कर देंगे, अंदर भी KYPD लिखा रहेगा, देख सकते हैं KYPD पावर 63 नंबर में, यही हम यहाँ डायग्राम में भी देखे थे 63 नंबर में, और चार्जिंग एसी में जब जाएगा तो दो नंबर में जाएगा, पावर से निकल रहा है 63, मतलब यहां पर 63 और यहां पर दो नंबर के साथ कनेक्ट, और ये दोनों लाइन मिलकर कहां जाएंगे ऑन ऑफ की पे। लेकिन बोर्नियो वाले ने सिर्फ यही एक लाइन बताई है, यहां से यहां तक का छोड़ दिया उसने। तो यहां पे आ जाएंगे डायग्राम में, अब हम लेआउट से देखेंगे क्या ये डायोड का दूसरा सिरा चार्जिंग एसी के दो नंबर के साथ कनेक्ट है क्या। ये देखिए कीपैड 1 किधर गया पावर में और कीपैड 2 किधर जाना चाहिए चार्जिंग एसी के दो नंबर में। चलिए यहां से सीरीज में कोई रजिस्टर देखिए घूम करके कहां जा रही है लाइन हमारी, यहां पे एक रजिस्टर मिलेगा सीरीज में, ये देखिए ऊपर, और ये रजिस्टर से होते हुए यहां पे आ गई लाइन हमारी, सॉरी मिल गया उसी नंबर से दो नंबर में KYPD के नाम से। और डायग्राम में अगर ये नाम को हम ऐसे सर्च करेंगे तो वापस दो नंबर में चले जाती है, ये देखिए दो नंबर में आ गई लाइन। तो ये हमारा एक ऑन ऑफ की का सर्किट था जो मैं आपको बताया, ऐसा बहुत कुछ आगे देखेंगे आप लोग। तो आज की क्लास में मैं छोटा सा एक आपको ऑन ऑफ की का ट्रैक बताया हूं, कैसे
लेटेस्ट मॉडल्स में ऐसा मिलेगा आपको। शायद आप लोग ऐसा अभी कुछ कुछ लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको पता होगा, और जो अपडेट नहीं हुए हैं उनको इन सारी ट्रैकों की नॉलेज नहीं है, इसीलिए मोबाइल लोगों पर अटक जाता है, उनका ऑन नहीं होता है पूरा, बस चार्जिंग का सिंबल आ रहा है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चेक करें कहाँ चेक करें। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, या ऑन ऑफ की का आपका टिप्स है, और इसमें रीसेट एन का मतलब होता है वॉल्यूम डाउन, और वॉल्यूम अप, तो वॉल्यूम अप लिखा है यहाँ पर। टीपी का मतलब है टच पॉइंट, और ये नेगेटिव सप्लाई ये बताता है ऐसा, रीसेट एन वॉल्यूम अप एन ऐसा लिखा ना यहाँ पर, एन एन कीपैड पावर एन लिखा है। तो वोल्टेज तो आपको पॉजिटिव में ही मिलेगा, नेगेटिव कुछ नहीं रहता है। ऑन ऑफ लिखिए या कीपैड पावर लिखिए या पावर ऑन लिखिए, वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप साइड से देखना है आप। तो इस तरह से ये डायग्राम मिलेगा आपको, और आपको ऐसे बनाना है, और जब बोर्ड में देखोगे आप तो बोर्ड में दिखेगा इस तरह से, सॉरी इस तरह से बोर्ड में दिखेगा। आपने यही ट्रैकों को अपने को समझना है कि ये पावर के साथ भी कनेक्ट है। बीच में ऐसा सीरीज में देखिए रजिस्टर लगे 1K के, हाई वैल्यू के रजिस्टर रहते हैं। और हमारा जो डायोड लगा है कहाँ लगा है, थोड़ा सा डायोड देख लेते हैं इस लाइन को पकड़ कर। सीरीज का जो डायोड है, अच्छा देख लिए थे हम लोग, सॉरी पावर एसी के बाजू में था ना, यहाँ पर नीचे ये वाला छोटा सा डायोड जो कि हम यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। ये सीरीज में है डायोड, याद रखिए ये लाइट का डायोड नहीं है, क्योंकि अभी तक आप सीरीज में जो डायोड देखे लाइट सेक्शन में ही देखे होंगे। यहाँ पे भी मिलता है आपको, ऑन ऑफ की सर्किट में भी आपको डायोड मिलेगा सीरीज में। कीपैड वन जाएगा पावर में, कीपैड टू जाएगा चार्जिंग एसी में, मतलब दोनों साइड कनेक्ट होना है। ये चार्जिंग एसी में क्यों जाएगा, ये जो हमारी वीपीएस सप्लाई है ये देखिए, ये वीपीएस सप्लाई आपकी बंद करने के लिए, मोबाइल को रिस्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये मैं आपको बस क्रिस्टल और पावर की सप्लाई बताया। हालांकि आपको बेसिक से सीखना है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है जो ज्वाइन करे क्लास मुझे बता देना इनबॉक्स में, ठीक है। मुझे कल कॉल करना आप लोग जो न्यू ज्वाइन करें, और एप्लीकेशन का मैं वीडियो व्हाट्सएप में, एप्लीकेशन का लिंक व्हाट्सएप में दूंगा आपको, इंस्टॉल करके लॉग इन करके रजिस्टर कर दीजिए, आपका वीडियोस जो है वो आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। जो आज का क्लास का वीडियो है ये भी मिल जाएगा, और जो उसके अंदर ऑलरेडी डाले हैं वो भी मिल जाएंगे। जो पुराने स्टूडेंट है वो भी एप्लीकेशन ले सकते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का ग्रुप बना दूंगा मैं जो नए स्टूडेंट है, ऑलरेडी हमारा जो ग्रुप है उसी में ऐड कर देता हूँ मैं, अभी जो लास्ट बैच था।